हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ डिफरेंट शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि मेकअप करने से पहले जब हम आईब्रोज़ को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, यानी कि अगर किसी की आईब्रोज़ नहीं बनी हुई हैं तो मेकअप में हम उसे कैसे शेप करते हैं, कैसे शेप देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब लोग आईब्रोज़ बनवा कर ही मेकअप करवाएं, जैसे कि कुछ गर्ल्स होती हैं या कोई लेडी भी ऐसी होती है जो आईब्रोज़ करवाना नहीं पसंद करती है। अगर उनको मेकअप करवाना है तो हम उनकी आईब्रोज़ को किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे, तो देखिए मैं आपको ब्रश की हेल्प से ना आईब्रोज़ की शेप दिखा रही हूँ, और मैं ना वीडियो आपको बहुत ही पास से दिखा रही हूँ तो ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। तो ये बेस मैंने इनके फेस पर पहले ही तैयार कर लिया था, और मैं यहाँ पर क्योंकि क्रीज आ रहे हैं इनकी आईज़ में, तो यहाँ पर मैंने इसे पाउडर से सेट कर दिया है। अब हम अपनी आईब्रोज़ को शेप देना स्टार्ट करेंगे। तो मेरे हाथ में जो ब्रश है ना, ये मुझे जेल आईलाइनर, सॉरी जो हाँ जेल आईलाइनर होते हैं ना, उनके साथ ही मिला था ये पुली। तो इससे मैं आईब्रोज़ को शेप दे रही हूँ। आप देख सकते हैं वीडियो में कि किस तरीके से शेप दे रही हूँ मैं। मैं ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास ये म्यूज़िक फ्लावर के जेल आईलाइनर हैं, बहुत ही रिजनेबल रेट में आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, और दो शेड देते हैं ये, ब्लैक और ब्राउन। तो हम चाहें तो ब्लैक कलर से भी कर सकते हैं, लेकिन ब्राउन कलर से अगर करें ना तो नेचुरल सा लगता है, लेकिन अगर ब्लैक से कर देना तो कुछ ना वो अजीब सा लगता है कि बहुत थोप सा रखा है, एक्स्ट्रा बना रखा है, तो वो दूर से ही देखने में पता लग जाता है। तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप ब्राउन कलर ही यूज़ कीजिए। हाँ, जिसकी बहुत घनी घनी आईब्रोज़ होती है ना, वहाँ पे आप ब्लैक कलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनकी आईब्रोज़ लाइट शेड की हैं। जो आईब्रोज़ के बाल हैं ना, वो लाइट शेड के हैं, बहुत घने घने ब्लैक कलर के नहीं हैं, तो इसलिए मैं ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ। ये सब टेक्निक्स हमें मेकअप में सीखने को मिलती हैं। तो आप लोग अगर वीडियोस देखकर कुछ सीख रहे हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तभी मैं अलग अलग टेक्निक्स लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस अपलोड करती हूँ अपने चैनल पर, ताकि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, उन्हें कुछ अच्छा देखने और सीखने को मिले। तो इस तरीके से धीरे धीरे ही आपको कलर लेना है और उसे आईब्रोज़ में डिफ़ाइन करना है। एकदम से आपको ज़्यादा कलर नहीं पुट कर लेना है ब्रश में, और ख़ास करके जब हम आगे की तरफ काम करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें ना ब्रश को लिटा कर नहीं चलाना है, खड़ा करके चलाना है, क्योंकि यहाँ के जो हमारी हेयर ग्रोथ होती है वो खड़ी हुई होती है। तो जिस तरीके से हमारी नेचुरल शेप होती है, हमें बिल्कुल वैसा ही दिखाना है कि हमारी ये नेचुरल है। यही मेकअप की खासियत होती है, खूबी होती है। अब मैं इस जेल आईलाइनर को ना, जेल जो कलर हमने लिया था लिक्विड में, उसे हम सेट कर देंगे पाउडर फॉर्म वाले कलर शेड से। ये आपको चाहे उसमें, ये मेरे पास तो ये कंटोरिंग की पैलेट है, लेकिन आपको आपकी आई शेडो पैलेट में से भी ये मिल जाएगा, तो आप उसमें से लेकर भी ना इसे सेट कर सकते हैं। सेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जैसे समर का टाइम है तो पसीना वगैरह भी आता है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एसी में ही बैठा रहे मेकअप करवाने के बाद। तो सेट हमारे मेकअप को सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखिए, दोनों आईब्रोज़ में आप डिफरेंस देख सकते हैं, बनी हुई और बिना बनी हुई। कोई भी देख के ये नहीं कह सकता है कि ये आईब्रोज़ इन्होंने नहीं बनवा रखी है। देखिए कितनी अच्छी शेप आ गई ना, उठी उठी। अब हम इसमें और निखार लाने के लिए हम इसे और डिफ़ाइन करेंगे, उभार लाएंगे अपनी आईब्रोज़ में। उसके लिए मैंने बहुत ही लाइट शेड, यानी कि एले गर्ल का जो प्रो कंसीलर होता है ना, उसका आइवरी शेड लिया है। ये देखिए, आप क्राइलोन का भी आइवरी शेड ले सकते हैं। जितना लाइट शेड लेंगे ना, उतना ही आपकी आईब्रोज़ में निखार आएगा, वो उठी उठी दिखाई देंगी, उभार में दिखाई देंगी। तो जब भी आप कोई काम करते हैं तो प्रोडक्ट को थोड़ा थोड़ा हाथ पर निकाल लीजिए। अब ये देखिए, एक और ब्रश लीजिए, उसी ब्रश को आपको, सेम ब्रश को यूज़ नहीं करना है, नया ब्रश लीजिए और इस तरीके से देख
देख सकते हैं आप वीडियो में, धीरे धीरे आपको काम करना है। मैं यहाँ पर आपको जो वीडियो दिखा रही हूँ ना, मैंने इसकी स्पीड बहुत ही स्लो कर दी है ताकि आप लोग अच्छे से सीख पाए। तो इस तरीके से देखिए, आपको आईब्रोज़ को डिफाइन करना है, धीरे धीरे से कलर को पुट करना है और इसे नीचे की तरफ फिर हम फैला देंगे। इस तरीके से देखिए, जैसे आप लोग वीडियो में देख रहे हैं ना, ये हमने उसी शेप में हमारे कंसीलर को पुट कर दिया है। हेलो। और इसे ना हम अब धीरे धीरे देखिए नीचे की तरफ अब हम इसे पुट करेंगे इस तरीके से, और फिर पूरी आईज़ में इस शेप कलर को हम दे देंगे और फिर इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से सेट कर लेंगे। धीरे धीरे से ही आपको काम करना है, क्योंकि अगर आप बिगनर हैं तो आप जल्दबाजी मत कीजिएगा। जो लोग प्रैक्टिस करने लग जाते हैं उनको तो फिर उनकी स्पीड भी बन जाती है, लेकिन जब हम स्टार्टिंग में काम करना शुरू करते हैं तो हमें टाइम लगता है। इस तरीके से पूरी आईलिड पर हमने लाइट शेड दे दिया है। हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि लाइट शेड, आइवरी शेड हम क्यों देते हैं, लाइट से लाइट शेड हम आईज़ पर देते हैं ताकि जब भी हम आँखों पर जब आई शेडो अप्लाई करेंगे तो वो जो भी कलर हम देंगे लाइट या डार्क, तो वो निखर के आते हैं, उठते खिल के उठते हैं, फिर वो एक एक कलर हमें दिखाई देता है। इसलिए हम लाइट से लाइट शेड आँखों पर देते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं फेस का बेस और आईज़ का बेस दोनों में कितना डिफरेंस है, लेकिन जब हम इसमें कलर पुट करेंगे तो ये पता भी नहीं चलेगा कि हमने यहाँ पर इतना लाइट शेड दिया था। अब हम इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से सेट कर देंगे। ब्यूटी ब्लेंडर को आप जब भी यूज़ करें तो उसे थोड़ी देर पहले पानी में डिप करके रख दें और फिर इसे अच्छी तरह से निचोड़ के फिर यूज़ करें। यानी कि हमारा जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो गीला होना चाहिए, इससे क्या होता है हमारा बेस भी वाटर प्रूफ हो जाता है और बेस हमारा अच्छे से सेट भी हो जाता है, यानी कि वो स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है। तो इस तरीके से हम बेस को अच्छे से सेट कर देंगे और फिर उसके बाद हम इसे पाउडर की हेल्प से भी सेट कर देंगे ताकि कोई भी क्रीज इसमें ना आए। दोनों आईज़ में आप डिफरेंस देख सकते हैं। कोई भी ये नहीं कहेगा कि इनकी आईब्रोज इन्होंने नहीं बनवाई थी, जो अब ये कलर देने के बाद क्या डिफरेंस आया, जो इनकी एक्स्ट्रा की शेड बाल थे ना, ग्रोथ थी, वो भी दिखनी बंद हो गई है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट आईब्रोज लग रही हैं। तो आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल बटन है उसे भी प्रेस कर देना और उस पे ऑल वाले बटन पे क्लिक कर देना, ताकि आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम पर मिलती रहे। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक तीसरे ब्रश की हेल्प से मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। ये मेरे पास लिक्विड हाइलाइटर है, इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ बिल्कुल हमारी आईब्रोज के सेंटर पॉइंट पे। ठीक है, तो इसके बाद हम अपनी आईब्रोज में कलर पुट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलूंगी नई वीडियो।